नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो। तो दोस्तों फाइनली क्लास टेंथ का रिजल्ट आज घोषित हो रहा है, तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आप क्लास टेंथ यानी हाई स्कूल का रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। आपके पास रोल नंबर है नहीं है, लेकिन तब भी आप इस रिजल्ट को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों रिजल्ट चेक करने के लिए आपको एक वेबसाइट खोली है जिसका नाम है rozgarrizult.com। दोस्तों पुरानी ट्रस्टेबल वेबसाइट rozgarrizult.com खोलना है और आपको रिजल्ट सेक्शन में यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट कैसे चेक करना है। दोस्तों जिस दूसरी वेबसाइट का मैं नाम ले रहा हूँ उसका नाम है sarkarirezult.com। दोस्तों गूगल पे जब भी सरकारी रिजल्ट लिखेगा लास्ट में डॉट कॉम जरूर लगाएगा, क्योंकि इसके नाम से बहुत ज्यादा मिलती जुलती डुप्लीकेट वेबसाइटें आ चुकी हैं। तो आपको यहाँ पे डॉट कॉम लगाना है और यहाँ पे सीधा आपको टेंथ का रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट जो है आज दोपहर में 12 बजे जारी होगा, लेकिन मैं आपको पहले बताने वाला हूँ रिजल्ट आने के बाद कैसे चेक करना है। तो दोस्तों मान लीजिए मैं यहाँ पे जाए, मान लीजिए टेंथ का रिजल्ट ले लेता हूँ और मान लीजिए सर्वर 4 पे क्लिक कर देता हूँ। मैं कोई और सर्वर पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि कई सर्वर पे रिजल्ट आएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं इसका जो रिजल्ट आएगा वो डीजी लॉकर पे भी आएगा। अब बात ये होती है कि आपके पास उसका रोल नंबर है नहीं, तो आप नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइंड क्लास 10th एंड 12th रोल नंबर, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ 10th सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि 10th का रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, पिता का नाम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। मैं डाल के दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रोल नंबर वगैरह शो करने लग जाएगा, आपका नाम, आपका स्कूल कोड, आपका स्कूल का नाम। और यहाँ पे आप देखेंगे एक डाउनलोड का बटन आ रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डाउनलोड का बटन आ रहा है, आपको उस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका एक सर्टिफिकेट जो है यानी कि रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। देख सकते हैं रोल नंबर स्लिप है जिसमें आपके स्कूल का नाम, रोल नंबर वर्ड में सब चीज दी हुई है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इस बार जो सर्टिफिकेट है माइग्रेशन है, आप जो है देख सकते हैं यू में डाउनलोड जो डिजिटल डॉक्यूमेंट आप डिजी लॉकर पे कर सकते हैं। तो उसकी वीडियो भी हम आपके लिए लेके आएंगे जब रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। दोस्तों जैसे ही 12 बजेंगे आप देखेंगे यहाँ पे लिंक आ जाएगा। इसी तरह जैसे सीबीएसई में आपको 4 सर्वर मिले थे, इसी तरह 3-4 सर्वर आपको इस बार भी मिलेंगे। और सिंपली आपको किसी भी सर्वर पे क्लिक कर देना है। मान लीजिए कोई सर्वर अगर आपका बिजी हो तो आप दूसरे सर्वर पे क्लिक कर सकते हैं और सिंपली आपको अपना रोल नंबर और स्कूल कोड डालना है। हो सकता है दोस्तों इस बार स्कूल नंबर का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि क्लास 10th में स्कूल नंबर का ऑप्शन नहीं आता, केवल जो है रोल नंबर का ही ऑप्शन आता है। मान लीजिए स्कूल नंबर का भी ऑप्शन आता है तो आपको जो हमने लिंक बताया है ये वाला फाइंड वाला, आप उस नंबर के जरिए जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बता दूं आपको कि आप इसका जो मार्कशीट है डिजिटल सर्टिफिकेट में भी मिलेगी। और सिंपली बहुत ही सिंपल प्रोसेस होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये डीजी लॉकर वाला लिंक है, यहाँ पे आपको सिंपली रोल नंबर डाल देना है। इस तरीके से कोई भी जो आपका रोल नंबर है वो डाल दीजिए। आपको यहाँ पे क्लास 10th या क्लास 10th का भी ऑप्शन खुल जाएगा 12 बजे, उसको डालना है। यहाँ पे सीधा सीधा आपको स्कूल का नंबर डालना है। दोस्तों स्कूल का नंबर डालना है जो आपकी जो भी मैंने आपको दिखाया, जो आपको रजिस्ट्रेशन यानी रोल नंबर की स्लिप मिली उस पर नंबर दिया हुआ है। तो अपना रोल नंबर और स्कूल नंबर रेडी रखिए, ठीक 12 बजे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद हमारी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि रिजल्ट कैसा गया, कितना परसेंटेज गया, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप इसके जो रिजल्ट है आपको रिजल्ट प्रीव्यू लाइव दिखाएंगे भी, और ये भी बताएंगे कि आप उसको आधार कार्ड से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं डीजी लॉकर के थ्रू। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।